मेरा नाम खुशी है एंड मेरे इस पूरे वेंचर का नाम हैप्पी हार्ट्स बाय खुशी है। तो मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करूंगी बिल्कुल स्टार्ट से। कोविड का टाइम था जिस टाइम पर हम सब घर पर मजे से टीवी पुरानी वेब सीरीज देखने के लिए लगे हुए थे, तो मैं भी उन्हीं में से एक थी जो पूरा दिन इंस्टाग्राम फेसबुक स्नैपचैट चलाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इंस्टाग्राम पर मुझे एक पोस्ट दिखी जहाँ पर नीचे मैंने मजे में लिख दिया कि मैं क्रोशेट करती हूँ। एंड उसी दिन मुझे मैसेज आया कि आप क्रोशेट में क्या क्या करते हो, उनकी मुझे फोटोज भेजो। तो पहले क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, कुछ करने को कुछ भी नहीं था, तो मैंने मजे मजे में उनको लिख दिया कि ये देखो मैं ये सब बनाती हूँ। एंड उस दिन मुझे इतना मतलब अच्छा भी लगा और थोड़ा ऐसे डर भी लग रहा था कि किसी ने मुझे बोला है कि ये सब चीजें बनाकर मुझे पार्सल करा दो। मेरा फर्स्ट ऑर्डर था हैदराबाद को, एंड साउथ एरिया की अगर बात आती है तो हमें पता है हैंडीक्राफ्ट एंड साउथ एरिया, साउथ रीजन ऑफ इंडिया, ये दोनों सिनोनियम्स हैं एक तरह से। तो उन्होंने अपने पहले ऑर्डर के लिए मेरे साथ 250 रुपीस डिलीवरी चार्जेस दिए थे, जो मेरे लिए एक शॉकिंग चीज थी। 250 रुपए कोई शिपिंग चार्जेस पे कर रहा है, बिकॉज हम किसी भी नॉर्मल साइट पर अगर 100 रुपीस भी शिपिंग चार्जेस देखते हैं तो हम वहीं पर अपना ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। वहां से शुरुआत हुई मेरे इस पूरे वेंचर की हैप्पी आज बाय खुशी, जिसके लिए मुझे फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करने वाली जो मैम थी उन्होंने इतना सपोर्ट किया, मेरी मम्मा ने, मेरे भाई ने, अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे फ्रेंड्स ने, जिन्होंने बोला कि अगर तू कुछ करती है तो उसको करते रहे। धीरे धीरे जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, रॉ मटेरियल्स के बारे में आई हैड जीरो नॉलेज, लोगों के पेजेस को स्टॉक करना शुरू किया, कौन किस मटेरियल से चीजें बनाता है वो सब मेहनत की। स्टार्ट में ऐसा होता था कि 50 रुपीज के इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता था, आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि अगर 5,000 या 10,000 के इन्वेस्टमेंट की बात भी होती है तो हंसी खुशी में इन्वेस्टमेंट कर देती हूँ, बिकॉज मुझे पता है इसके लिए रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूँ क्रोशेट, जो मेरा इस पूरे काम से रिलेट करता है, हैप्पी हार्ट्स की बुनियाद क्रोशिया थी, क्रोशेट जिससे हम एसोसिएट करते हैं, हमारी नानी दादी धूप में बैठकर स्वेटर सॉक्स बना रही है। तो उस टाइम पे ऐसा था कि क्रोशिया को कोई वैल्यू नहीं देता होगा, मेरे दिमाग में ये परसेप्शन था, और आज से लेकर आने वाली जितनी जनरेशन है उनके दिमाग में भी यही परसेप्शन होगा कि क्रोशिया तो नानी दादी की स्वेटर्स और सॉक्सेस तक ही लिमिटेड है। बट अगर हम देखें तो क्रोशिया का बहुत ही वाइडर होराइजन जो है हमारे इस पूरे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। इंडिया की बात करें या जम्मू एंड कश्मीर जहाँ से मैं हूँ, बिलोंग करती हूँ, या पूरे वर्ल्ड की बात करें, क्रोशेट की इतनी डिमांड है मार्केट में कि एक्सपोर्ट रेट भी बहुत ज़्यादा है। एंड जम्मू एंड कश्मीर से होने के साथ साथ मुझे ये बेनिफिट है कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर मतलब लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर भी माना जाता है, तो इससे मैं कुछ बेनिफिट उठाना चाहती हूँ। दूसरी चीज़ जो मेरे इस पूरे काम के गोल है, मैंने देखा है कि गवर्नमेंट कहीं हद तक रूरल एरियाज को सपोर्ट कर देती है, अर्बन एरियाज में भी सपोर्ट होता है, बट जैसे कि सोसाइटीज होती है वो गवर्नमेंट एरिया, जो गवर्नमेंट है रूरल एरियाज को ज्यादा सपोर्ट करती है। तो आई एम ऑन द विजन कि क्यों ना मैं मिडिल क्लास वुमेन जो है, जो अपने घर में ही रहकर कुछ कमाकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है, प्रोवाइड कराना चाहती है, तो मैं उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करूँ, उनके ग्रुप्स बनाऊँ, उनकी एक तरह से सोसाइटीज क्रिएट करूँ जहाँ पर वो आराम से घर पे बैठ के सामान बनाएंगे एंड इस मार्केट में स्प्रेड करेंगे। बिकॉज अभी के टाइम में सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल वेपन है हर चीज की प्रमोशन के लिए, एंड जब बात वुमेन की आती है तो एक वुमेन ही दूसरी वुमेन को सपोर्ट कर सकती है। एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी कि इस पूरी जर्नी में जैसे जैसे मेरे साथ लोग जुड़ते गए, मुझे नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते गए। मैंने स्टार्ट किया था ज्वेलरी से, जैसे कि इयररिंग से, धीरे धीरे मैं की चेन्स पर गई, की चेन से एमिग्रे में की चेन्स, जैसे कि क्रोकोडाइल में कैरेक्टर हो गया, बटरफ्लाई में कैरेक्टर हो गया, उन सब की चेन्स। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारे टॉयज हैं, हमारे इस पूरे जहान में अगर हम बात करें तो टॉयज का क्रेज हर किसी को है, हर उम्र के इंसान को टॉयज पसंद है। तो एक ऐसी गिफ्टिंग रेंज इंट्रोड्यूस करूं जिसमें टॉयज हो एंड डेकोर के रिलेटेड, हमारे ऑफिस एंड घर के डेकोर के रिलेटेड जो पॉट्स हैं वो भी क्रोशेट में हो। क्यों ना गिफ्टिंग की आइटम्स जैसे कि किसी बड़ी सेरेमनी में बुके के रिप्लेसमेंट बन जाए क्रोशेटेड फ्लावर्स। तो ये सब जो था मेरा गोल था, एंड आई होप कि जो मैं अभी बता रही हूँ उसके थ्रू लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि वो किसी भी टाइम पर स्टार्ट कर सकते हैं, एंड जब वो स्टार्ट करेंगे तो सपोर्ट खुद ही आने लगेगा। टेकिंग इट
फ्रॉम प्राइवेट पार्ट प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर दोनों साइड से सपोर्ट होगा, बस हमें थोड़ा इनिशिएट लेना पड़ेगा एंड ट्राई करना पड़ेगा. थैंक यू.